सभी का स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। हमारे सामने ये टाटा सिग्ना है। टाटा सिग्ना का ये जो मॉडल है ये है 42823K। और ये जो मॉडल है ये काफ़ी अभी लेटेस्ट ही लिया गया है, 2023 में लिया है, 6 महीने पुरानी गाड़ी है। और इस गाड़ी में कुछ समस्या आ रही है, ठीक है, उस समस्या के बारे में जानेंगे अभी। और आप देख सकते हैं ये टिपर है, ये तो काफ़ी सॉलिड बॉडी है और सारी चीज़ें हैं। बाकी जो इसको चला रहे हैं वो हमारे साथ हैं भाई, तो स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। क्या नाम होगा आपका? जिशान। तो जिशान जी, कितना टाइम हो गया गाड़ी लिया हुआ? 4 महीने। 4 महीने हुए हैं। अच्छा जी, कितने में पड़ी थी गाड़ी? ये 41-20 में पड़ी थी। 41-20, मतलब 41,20,000। ओके, और कितना मतलब डाउन पेमेंट कितना किया था आपने? लमसम 7-8 लाख। 7-8 लाख, 8 लाख के करीब आपने डाउन पेमेंट किया है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए जी, बताओ। ठीक है, और EMI वगैरह कितनी जा रही है इसकी? किस्त है इसकी 1,04,000 रुपये। 1,04,000 रुपये इसकी महीने की किस्त है। तो अभी क्या समस्या आ रही है गाड़ी में आपको? समस्या यही, यूरिया बहुत खाती है गाड़ी। यूरिया बहुत ज़्यादा खा रही है। कितना खा रही है यूरिया? कितने खा रही है? हमारी और गाड़ी तो खा रही है 100 लीटर पर 3-4 लीटर, ये खा रही है 10 लीटर। 100 लीटर पर 10 लीटर खा रही है। अच्छा जी, तो आपके जैसा आप बताते हैं आपके पास ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ और हैं, यानी कुल मिला के 3 गाड़ियाँ हैं, है ना? तो एक 19 मॉडल है, एक 22 मॉडल है 2022, और एक ये 2023 वाला मॉडल है। तीनों सेम यही है, ठीक है, 28-23 ही। बस इसी में ज़्यादा समस्या आ रही है। उसमें भी है यूरिया की, तो उसमें भी ज़्यादा है। कौन से वाले में? 2022 वाले में? 2022 ये मानव जी यूरिया तरफ से, ये टैंक है, समय कितना यूरिया डाल दो ख़त्म ही है। अच्छा, बहुत यूरिया खाती है। कोई हिसाब तो होगा ना कि मतलब इतने लीटर में कंपनी बताती थी होगी? कंपनी लीटर ने इन्होंने बताया था 5 लीटर का लमसम। हाँ, 10 लीटर खा रही है, आधा आधा का लीटर। अच्छा, ठीक है। तो अब इसमें क्या आपको लग रहा है, मतलब कि क्लच सिलेंडर बहुत फाड़ती है गाड़ी? क्लच सिलेंडर 4 क्लच सिलेंडर फाड़ दीजिए 1 महीने के अंदर। तो क्लच सिलेंडर वगैरह कहाँ होता है थोड़ा सा देख सकते हैं? ये यहाँ पे आते हैं, रिपेयर करवाते हैं, लगा देते हैं। कितने का पड़ता है? बंद होता है नहीं, पड़ता वारंटी में होती है। गारंटी में मतलब आपको जेब से भी फिलहाल कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन काम कितने... तो बंद होता है जी। हाँ, काम बंद हो जाता है। तो कितने आप कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में? पता नहीं जी, अभी तो गेट पास ही बहुत मुश्किल दिया है हमने, पता नहीं कब करेंगे कंप्लीट। मतलब आज का पूरा दिन तो लग ही जाएगा? पूरा कल का भी पता नहीं जी, इनका कोई पता नहीं। अच्छा, हाँ जी, यहाँ एकदम जवाब नहीं मिलता। ओके, और इसमें मतलब कि कितने टाइम में वो क्लच जो है आप जो बता रहे हैं वो समस्या आती है? जैसे आज आपने मान लो चेंज करवा लिया, 2 घंटे के अंदर आ जाती है। 2 घंटे में? 24 घंटे, 10-12 घंटे के अंदर अंदर, 10 से 12-24 तक आ जाती है। 2 दिन के अंदर आ जाती है। दो दिन के अंदर आपके सामने वो समस्या दोबारा से आ जाएगी? हाँ जी। फिर आप दोबारा गाड़ी लेके आओगे? हाँ जी, 4 बार तो ये कंपनी वाले वहाँ जा लिए जी इस साइड पर, 5 बार हम गाड़ी यहाँ लाएंगे। अच्छा, ये 5वीं बार आप गाड़ी लेके आ रहे हो 4 महीने में? अच्छा नहीं, 4 बार बंदे वहाँ पर जा लिए साइड पर, 5वीं बार पर हम आना पड़ा मजबूरी में, जब वहाँ ठीक नहीं हो रही। ओके ओके, आपकी साइड पर जाके भी इन्होंने किया है बट वहाँ नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर आप फाइनली आए हो, ठीक है। ओके, और बाकी एवरेज वगैरह कितना दे रही है भाई? एवरेज 2 का, 2 का एवरेज दे रही है, ठीक है। और तेल की इसमें कितने लीटर का टैंक है? 290 का लमसम। 290 के? हाँ, एक बार देखते हैं ज़रा थोड़ा सा इधर से। तो देखो 290 लीटर का इसका टैंक है, ठीक है जी। और यूरिया जो टैंक की आप बात बता रहे हो ये है 65 लीटर का इसका यूरिया टैंक है। और भैया बता रहे हैं कि 10 लीटर जो है खा रही है, 100 लीटर पे, 100 लीटर डीजल पे 10 लीटर यूरिया ये गाड़ी खा रही है। अच्छा जी, बाकी और कोई समस्या आ रही है? बस यही समस्या है, मेरी यही समस्या है। हाँ, इसलिए मान लिया मैं तो समस्या नहीं। अच्छा भैया, तो इसमें कितने टन में पासिंग है इसकी? टन का पता नहीं। ओके, और माल कितना आप लोग ले लेते हैं इसमें? वाटी ले लीजिए भाई, 220 क्विंटल, 230 क्विंटल, 220-230 क्विंटल जो है माल भर लेते हो, मतलब 23 टन के आसपास। ओके, तो ठीक है, अंडर लोड ही है मतलब 23 टन को नहीं, मिट्टी में चला, अंडर लोड ही चला है। ओके, तो बाकी और जैसे कि इसमें जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या कहते हैं, बाकी और जो ब्रांड आ रहे हैं, टाटा हो गया, भारत बेंज हो गया, बाकी और भी हैं, तो कैसे लग रहा है मतलब आपको? आपको कभी फील होता है कि यार मतलब मैं टाटा ना लेके कोई और ले लेता तो ज़्यादा? चार गाड़ी चल रही है, MW चल रही है वहाँ पे जी। हाँ, महिंद्रा भी चल रही है, अशोक लैंड भी चल रही है, ठीक है। भारत बेंज की भी, भारत बेंज बढ़िया है, भारत बेंज से ज़्यादा सही है।
लेकिन भारत गंज में एक समस्या बताते हैं कि उसका क्लच प्लेट बड़ी जल्दी उड़ जाता है। हमें तो इसका लग रहा है जी, इसका लाइन गड़ा चल गई ना जरा, समस्या तो हमें इसमें दिखाई देगी जब उनका हमारे सामने खुले ही नहीं आते तो मानोगे नहीं मानोगे। किसी के पास है भारत गंज आपकी जानकारी में? हमारे जानने वालों पास, हमारे पास ही चलती है वो साइड पर, उसका अभी तक कुछ नहीं है। उसका कुछ नहीं निकाल रखे। कितना टाइम हो गया उसको लिए? एक साल हुआ जनवरी में। एक साल हो गया? हाँ एक साल हुआ। मतलब जनवरी में लिया ना इसी साल, मतलब वही छः महीने छः सात महीने हो गए, 8 महीने हो गए। उसका कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक? अभी बढ़िया चल रही है। ठीक है यार, इसी गाड़ी में दिक्कत है क्लच की, और गाड़ी में? और गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो, ये देखो ये तो प्रॉब्लम्स देखो रहती ही हैं। खैर किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, किसी में टायर खाने की भी समस्या है कुछ? पिछला जोड़ा खा रही है। पिछला वाला दो बार फाड़ चुकी है। कौन सा वाला? पिछला वाला ये दो चार टायर फाड़ दिए पर कोई सुनवाई नहीं। कैसे मतलब कैसे फाड़ दिए? मतलब पता नहीं, कुछ पता नहीं लगता। खाली गाड़ी में फाड़ दी, बारों में फाड़ दी, और लोड में नहीं फाड़ दी। जब खाली करके लेके चलेंगे यही फाड़ेगी टायर। ऐसा तो यार मैं पहली बार सुना कि खाली गाड़ी में टायर फट जाते हैं। सब आज या तो हवा ज़्यादा टल जाती होगी। अरे नहीं, हवा से क्या ऐसा वो हो रहा, खाली तो फाड़ेगी। अच्छा दो टायर चार टायर फाड़ चुका है, ज़्यादा परेशान करके इस गाड़ी ने ज़्यादा। ये तो ऐसी है, अगर कोई इस पे एक आधा गाड़ी हो ना तो उससे किस्त जमा होगा ना। हाँ किस्त, इसलिए हमारा मन होगा कि इसकी तो सुनवाई नहीं है। चार चार दिन से गाड़ी खड़ी रह रहा है। तो अभी आप सारे अशोक ले लैंड के कोई सी ले लेते ना तो सुकून से। सिलेंडर नहीं आया कभी? वो दिहाड़ी तो दे मैं खड़ी की, ये तो सुनते भी ना फोन नहीं उठाते। अच्छा हाँ जी, तो अशोक ले लैंड बाकी जो है दिहाड़ी देते हैं क्या? सब देते हैं। महिंद्रा की जैसी भी आएगी उसकी दिहाड़ी मिलती है हमारे पे। अच्छा हाँ, और ये भैया बताएंगे महिंद्रा की ले लो या कोई चीज ले लो, ये तो लेके फंस गए हम। इसमें तो बुरा हिसाब हो रहा, बहुत बेकार है। इसमें तो जाओगे जब कहते हैं भाई आ रहे और फिर सिलेंडर के सिलेंडर लेके नहीं जाते। खड़े हुए किस्त कहाँ से दे देंगे। अभी कोई सुनवाई नहीं है, 4 दिन 5 दिन हो गए इसे। अभी तो गेट पास ही बस नाम है थोड़ा अच्छा चल रही है, अब इतने कोई पास नहीं। अच्छा भैया महीने की कमाई वगैरह कितनी हो जाती होगी? जैसे आपके पास दो गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं, जब चलेगी ना तो कमाई कर देगी कहाँ से भी। फिर भी मोटा मोटा अंदाजन कुछ तो हो जाए तो होगा, तभी तो आपने तीसरी गाड़ी बनाई। अभी तो पता लगा किस्त देगी ना, घर तो घर से काम कर रहे हैं जी। कमाई तो इतनी हो रही है इसमें, जितनी हम इसमें कमा रहे इससे ज़्यादा इसमें लगा रहे यूरिया, एक इससे इतनी लगा दी किस्त भी हमारे नो समझो। अगर हमारे पे दूसरा वाहन ना हो ना तो किस्त भी नो समझो, इसकी खींच के जाने का नो बता जाओ। ऐसी हालात चल रही है। यूरिया यूरिया बहुत खाब है, डीजल डीजल बहुत खाब है, तो हर चीज़ तो ये खाब है वैन की। तो 1,05,000 रुपये के करीब किस्त है इसके महीने की? हाँ जी हाँ, 1,07,000 के करीब। तो वो कैसे भर रहे हो फिर? अपना जे सी भी है और भी वाहन है, ट्रैक्टर वगैरह है, भी मजबूर है, तभी आप मतलब भर पा रहे हो, अदरवाइज तो उसके लिए। अगर इसके ऊपर भरी आप तो एक भी नहीं भरी तो हम लोग खिंचके चली जाते। तो आप क्या कहना चाहेंगे बाकी हमारे जो दर्शक भाई हैं उनको, कि भाई उनको ये टाटा की गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या कोई और लेनी चाहिए? और ले लेनी चाहिए बस, इसका ये है टाटा की गाड़ी है, थोड़ा नाम उठा हुआ, मार्केट सही है, बिक जाती है, और कुछ नहीं है, इतनी वो नहीं है। तो टाटा के अलावा और कौन सा आपको बेस्ट ऑप्शन दिखाई देता है? यस बाकी तो सारी बढ़िया है, भारत बेंच सबसे बेहतरीन गाड़ी है, अशोक लेलैंड बड़ी गाड़ी। भारत बेंच वालों से बात करो तो यार वो भारत बेंच की बुराई करते हैं कि यार टायर खाती है, यार बुराई तो हर चीज़ की कर लेते हैं। अभी एक बार इसमें लेकर कोई फंस जाएगा तब तक ये गाड़ी इतने दिन नहीं हुए, वैसे इतने महीने नहीं हुए जितनी बार हुई यहाँ एजेंसी में, हर 15 दिन इसे यहाँ चाहिए ये वहाँ खड़ी हो जाओ, वहाँ ड्राइवर की तनख्वाह दे जाओ, फिर देखो जाओ किस्त कहाँ से देनी। दुर्गति थी मचा रखी उन्होंने, तेल सजाता हमें तो लगा यूरिया फ्री हो, एक 20 लीटर की बाल्टी तो समझे दूसरे दिन गिरने का नंबर आ जा। दूसरे दिन? हाँ जी। कितने की आती है बाल्टी? ये वाली 1375 रुपये की, 1375 रुपये की 20 लीटर की एक बाल्टी आती है, और करीब 60 लीटर का है ये 65। हाँ तो 60 एक बाल्टी हम तो दूसरे तीसरे दिन के, दूसरे दिन तो गिर ही दें इसमें।
और फिर भी अब नुकसान इससे ज्यादा कर दिया, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो जब कंपनी के लेके आना तो इनके लैपटॉप नहीं चलते उस जगह, क्या लैपटॉप नहीं चल रहा अगली बार देखेंगे। तो कभी तो इन्होंने शांति से करे ना सब कुछ करके भेजा कंपनी वाले, ऐसा तो करे ही ना। जब भी जाएंगे कि लैपटॉप नहीं चल रहा अगली बार देखेंगे, अगली बार तक ऐसे चला था फिर रिक्वेस्ट करो, फिर क्या कल आएंगे, कल नहीं आए तो परसों आएंगे, ऐसे करते रह भाई। आधा अधूरा काम करने जाएंगे इनसे, कहा भाई जो चीज़ खोल कर लाएंगे तो हम भी खोल कर दे देंगे, जो चीज़ें मैं चीज़ें उस पर नहीं जाते। हमारी गाड़ी का सिलेंडर फट गया था, सिलेंडर में कई दिन हो गए, हमने गोली दे गोली दे जा रहे उन्होंने कह रहे जो चीज़ वो खोल कर लाए तो खोल कर हम भी दे देते, हमने कहे हम ले आ रहे इनको तो नहीं हो तो कंप्लेंट डाल दी वहीं से मिलेगा, गाड़ी लेकर आओ किसी का बजट ना हो लाने का। तो सही बात है, बताओ आप ही किसी का बजट ना हो, अब तुम तो कहते हो किस्त नहीं आई पेनल्टी लगी सर, वो क्या होगा फिर जब तो हो सका ना भाई, तुम्हें जितने दिन गाड़ी खड़ी इतने क्या पेनल्टी वो काट दो किस्त भाई, एक दिन की तुम देख लो 1,07,000 रुपये किस्त है, 1,000 रुपये बैठ रही है एक दिन की, 3,500 रुपये के आसपास बैठ रही है, 3,500 रुपये एक दिन की है। हाँ तो 3,500 रुपये कोई आज में कोई फोन लागू नहीं सुनो ये किस्त किस्त के मामले में, फिर किस्त पास आओगी 3,500 रुपये की, कोई आम आदमी 3,500 रुपये नहीं कमा सकता, अगर मजदूर आदमी है कोई तो 400 रुपये कमाएगा, और 400 रुपये में भी इसके बुखार में लगा देंगे हम तो फिर तो बेकार है हमारा, ये सिस्टम चल रहा। तो कितने किलोमीटर भैया अभी गाड़ी चल गई है? 10,000 किलोमीटर चल गई है। अच्छा और मीटर में क्या एवरेज शो करता है इसका? दो का एवरेज 1.8 का शो कर रहा है। ओके तो जैसे कि देखो लेकिन टाटा अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, और मतलब देखो गाड़ी है मैकेनिकल पार्ट है, कुछ समस्या तो देखो आती रहती है, समस्या तो आती है पर समस्या में आने वाले में जो हमारे जो समाधान है, मान के चलो हम कंप्लेन आप एक को हर टाइम किस्त दे रहे हैं हर मंथली, उस टाइम पे अगर कोई हमारा वर्कर तुम्हारा शॉप जो भी है नहीं पहुंच रहा तो मुझे क्या बताएं, हमारी गाड़ी खड़ी का नुकसान हमारी तुम हमारे यहाँ रखो, रखो किस्त अपने अपने पास से जमा करो, हमारे तो हर महीने ही खड़ रहे, हमें तो कमाने की जरूरत भी नहीं है, तुम किस्त रखो हम तो यही रखो रखेंगे, हमारी जरूरत क्या है, पर जब हम इसकी किस्त दे रहे हैं तो हमें हमें चाहिए ना फिर इससे, अगर हम 1,07,000 की दे रहे हैं तो हमें 2,14,000 रुपये से हर महीने चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आदमी अगर तुम भी यहाँ इस कंपनी में काम कर रहे हो तो अगर तुम 500 रुपये पर डे का ले रहे हो तो वो तुम्हारे से 800 रुपये का काम लेंगे, बिल्कुल तुम्हें 500 रुपये तब रखते हैं अभी तो, और तुम इसी वजह से बताओ हम इसी इतने नुकसान में जा रहे हैं, कोई अगर सिंपल किसी के पास एक ही गाड़ी हो ना, अगर उसके पास दूसरा साधन ना हो तो वो इस चीज़ में समझो मुझे नहीं लग पाने का कि वो किस्त भी जमा कर पाए, इतने इतने परेशान है इस गाड़ी का। चलो बाकी मैं आपको पीछे का भी इसका लुक दिखा देता हूँ गाड़ी का, पीछे का लुक किस तरीके का देखो, भाई ये गाड़ी है और ज़्यादातर ये गाड़ी जो है मिट्टी में चलती है नहीं भैया? जी मिट्टी में चलाते हो ना? हाँ जी। ओके चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल पे आए आपने कीमती समय दिया, आपने फीडबैक दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि भाई आप वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए, ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं कर रखा तो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ड्राइव सेफ अपना ध्यान रखिए।